दिनों से आप यहाँ आते हैं, मतलब कितने साल से? शुरुआत में लस से आ रहे हैं, मतलब आप 1980 से आते हैं यहाँ? अस्सी में जिस तरह थे हम जमान थे, ये सब पैर लगा हुआ, ये सब आपका लगाया हुआ, आप लोग का है ना? तो ये बताइए कि यहाँ जो हर जो स्टेट जो इसमें डेवलप है, जैसे पंजाब हरियाणा या बिहार में है, बक्सर के चौसा मेला है, काराकाट मेला है, गढ़हन्नी मेला है, उसके बाद आपको बताते हैं उधर ऐनखाव मेला है, उसके बाद ऊपर चढ़ जाइएगा तो उधर में है आपको मसरमा, पता नहीं कौन कौन से छत्तर है, हैं सब मेला है बड़े बड़े, वहाँ काफ़ी इंजाम और व्यवस्था हो गया। लेकिन आप इस एरिया में अरबल में लगता है इधर एरिया में यही एगो मेला है, एगुआव कौन सा है? कुर्था में पड़ता है जो ऐसे ही मंगरा हाट, अरे ये सोमरा हाट है को मंगरा हाट है। अच्छा, मसरमा मेला बोल रहे हैं इतवार के लगता है, सबका दिन अलग है, लेकिन एक दिन के एक को मेला मैच नहीं करता। तो देख सकते हैं बड़ा ही अचंभित बात है और अच्छा ही सब पॉइंट बताए हैं। और किसी दिन से है ना मेला, मेला बहुत तो है, हर दिन को है, एक दिन का मेला नहीं है, एक दिन रहती है, कहाँ कहाँ आदमी जाए। हाँ भाई, कहाँ कहाँ जाएगा। तो किसी भी भाई को अगर गाय खरीदना हो तो या मेला में घूमना चाहते हैं, कोई शौकीन है पशु का, गाय भैंस का, तो वो यहाँ आ सकते हैं और ये देख सकते हैं। यहाँ पे गाय हैं जो निजी दूध के लिए या गाय घर में घरेलू यूज के लिए आप लोग चलाइए भाई, देख सकते हैं गाय का आर्डर क्वालिटी अच्छा है, थोड़ा कमजोर है ये गाय। कितना रेट रखे हैं वो है? इसका रेट कितना रखे हैं? इसका रेट 14,000 रुपये। कितना लीटर दूध देती है? 3 किलो। एक टाइम 3 किलो है? अच्छा, एक टाइम 3 किलो है। और इसका बनावट थन का तो अच्छा है और छेनी उनी जो है बहुत अच्छा है। किसी भाई को अगर लेना होगा तो अगर नहीं बिकती है तो कंसल्ट कर सकते हैं। क्या इसका आपको मतलब कुछ कम बेसी भी करेंगे या इसी रखते हैं? काहे नहीं रखेंगे, ऐसे लेना है। हाँ, लेना नहीं है मतलब लिया जाएगा, कोई भाई को लेना होगा, मान लीजिए आपका गाय बिका नहीं, फ़ोन नंबर बोलिए, वो फ़ोन करके कंसल्ट कर लेगा। हमारा फ़ोन नंबर नहीं याद है। तो ये देख सकते हैं इनको फ़ोन नंबर याद नहीं है, इस वजह से नई परेशानी आ रही है। जो ये आपका कितने का है गाय भाई? हैं 30,000 रुपया रेट रखे हैं। क्या क्या लीटर दूध दे देती है? हाँ, 4 लीटर एक टाइम। तो 4 लीटर एक टाइम में दूध करती है। अडर क्वालिटी, थन की बनावट देख सकते हैं, बड़ा शानदार है इसका। ये देख सकते हैं इसका जो मिल्क वेन उभरा हुआ है। गाय अच्छी है, क्रॉस ब्रीड में है। और भाई ये कितनी बियात की है? कितना दांत है? 4 दांत है। अच्छा, 4 दांत में है, पहली भी आते है। 30,000 रेट बोल रहे हैं। 30,000 कितना? 30,000 ना, 30,000 रेट बोल रहे हैं। देख सकते हैं क्रॉस ब्रीड गाय है। हाँ, बढ़ावा बढ़ाओ। ये इसका आर्डर क्वालिटी देख सकते हैं, थन की बनावट बहुत अपना जितना में है सही है एकदम। हाँ, क्या मोबाइल नंबर क्या है आपका? 7739 20 60। ये है इनका मोबाइल नंबर, किसी भाई को अगर दोस्त को लेना हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। गाय बहुत ठीक है। एक और ब्लैक गाय है, ये देख सकते हैं, थोड़ा बढ़ाइए इसे, बढ़ाइए ना भाई, चलो। वो जिसको भाई गाय भैंस से प्यार है, पशु से, वो इसको परचेज कर सकते हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे घरेलू यूज के लिए 10 लीटर तक दूध देने वाली गाय मिल जाएगा, ज़्यादा बड़ी गाय तो नहीं है और फिर भी अच्छे अच्छे गाय हैं। जो किसी भी लोगों को जो आवश्यकता है, कोई भाई को, तो यहाँ से ले जा सकते हैं ये गाय। कौन सी है? तो ये देख सकते हैं मेला, सोमरा हाट मेला है। और ये मेला जो है हर सोमवार को लगता है। एक ही गाय है, देख सकते हैं एक ही गाय है। इसका भी अडर क्वालिटी बहुत शानदार है।
ये देख सकते हैं शरीर की बनावट भी अच्छा है, गाभिन गाय है, यूट्यूब पे ही डालेंगे। और आप लोग को ये देख सकते हैं 6 दांत का गाय है। कै लीटर दूध देती है? कम से कम 10-12 लीटर एक टाइम, मतलब 12 दूना 24 लीटर देती है जी। कितना दाम रखे हैं? दाम 75 है इसका। 75,000 दाम रखे, सही बोलिए। 24 लीटर दे देगा जी, अभी 8 दिन व्यायाम में है। 20 दिन टाइम। तो अदर क्वालिटी देख सकते हैं, गाभिन है। कितने महीने के बताएं? कितना महीने का गाभिन है? खाली 15 दिन बाकी है। 15 दिन बोल रहे हैं बाकी है। और ये जर्सी से क्रॉस है, 6 दांत गाय है। कोई भाई के लेना होगा, मोबाइल नंबर बोलिए। बताइए भाई, कोई मोबाइल नंबर बोलिए जो आपका निजी है, जो नंबर बता सकता है। तो मोबाइल नंबर ये देखिए, है तो विदेशी गाय लेकिन इसका झालर है, ये बड़ा खासियत है। दूध को गुणवत्ता में गद्दा ये जो है ये क्या करता है, दूध को मतलब और प्यूरीफाई करता है, बेहतर क्वालिटी का दूध निकालता है। हाँ तो इंडियन से क्रॉस है, इसका झालर बड़ा अच्छा है। तो ये जो है झालर जो है बहुत दूध को या गाय को बीमारियों से बचाता है। इसका ये तो नहीं है लेकिन जो अच्छी गाय है, देखने से चेहरा मोहरा बहुत सुंदर दिख रहा है। अच्छा आप लोग के जैसे कितने साल से आप लोग इधर आते हैं, या मेला में कोई बैठने उठने का व्यवस्था नहीं सरकार ने बनाया अभी तक? इस है उधर था, जैसे सब बड़े बड़े जो मेला हो गया, अब बिहार है या बिहार से बाहर है, पंजाब हरियाणा, सब मेला में आजकल शेड बन गया, पशु शेड रहता है, ऊ में गाय बनाता है। और आदमी के भी बैठने उठने के लिए अलग से व्यवस्था बनल है, बड़ा बड़ा भवन टाइप। यहाँ सरकार कोई ध्यान नहीं दिया है 20 साल में। भारत सरकार के ठीक है तो यहाँ व्यवस्था तो बनना चाहिए। मेला तो भारत सरकार के नाम पर जान रहा है ना, सरकार की यहाँ पे मेला चल रहा है इस जमीन में। तो ये गाय तो बड़ा सुंदर है जी, दांत में 6 दांत है, लगता है पैर नहीं उठाता है। ये देख सकते हैं बहुत सारे लोग आते हैं मेला में इंटरेस्ट के साथ गायों को मतलब खरीदने के लिए या बेचने के लिए, और इसी बहाने इनको नया कुछ सीखने को भी मिलता होगा। और कोई गाय भैंस अच्छे से पालना चाहते हैं तो ऐसी गाय खरीद सकते हैं, और जो ज़्यादा दूध देगी और उसको बिजनेस के रूप में आप चला सकते हैं, दूध बेच सकते हैं। ये है, ये गाय हैं, अच्छा है। मोबाइल नंबर बोलिए, कने गए? चलिए मोबाइल नंबर इनके पास भी नहीं है तो एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए किसी को पसंद आएगा वो फोन जो है फ़ोन नंबर पर बात करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। 85-399 90902। ये गाय को अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर कंसल्ट करें। और देसी से क्रॉस है, देख सकते हैं इसका झालर है, बड़ा सुंदर दिख रही है। चलिए भाई, ये है ए वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म यूट्यूब पे। तो ये है, इधर देखिए गाड़ियों से गाय उतरता है, और ये गाय भी है देख सकते, सब देसी टाइप में है, अच्छे नस्ल का। कितना रेट रख ला है? 18,000 में दे रहे। कै लीटर दूध देता है? 3.5 लीटर करता है। कितना ब्याज का है? कै दांत में है? बराबर है। कितना ब्याज का है? तीसरी है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप लोग सोमराहाट मेला, अच्छे से एक बार देख लें। कोई खास कंफर्म जगह तो हम करपी बता सकते हैं, करपी के पास है। और यहाँ पे जो है काफ़ी भीड़ अब हो जाएगा धीरे धीरे, और गायें भी अभी धीरे धीरे आ रही है। मेन जो 2-3 गाय दिखाई दिया मुझे, एक गाय तो अभी थोड़े देर पहले दिखाया, और 2 गाय ये मुझे ठीक लग रही है। ये दोनों गाय मुझे ठीक लगी, तो ये 2 गाय भी ठीक है। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया आपको, ये देखिए ये भी 5 लीटर एक टाइम देता है, 5 लीटर एक टाइम देगा, ये 8 किलो बोल रहे हैं। तो इनका मोबाइल नंबर आपने बताया था ना, ये इनसे हो गया था, हमने आपको दिखा दिया था। 1-2 गाय मुझे लास्ट में ये दिख रही है,
ये देखिए क्या लीटर दूध दे जी, क्या लीटर दूध देता है, चला के दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं गाय छोटी सी है लेकिन अडर क्वालिटी अच्छा है, दूध देने की कैपेसिटी 5 लीटर बता रहे हैं। ये कितना रेट रखे हैं, कै रुपया मांग हुआ, 36,000। कै दांत के है, 6 दांत। दूसरी है कि तीसरी, दूसरी है और देसी नस्ल के क्रॉस ब्रीड गाय है और हाँ देख सकते हैं अच्छा गाय है, छोटा है, घरेलू यूज के लिए अच्छा दूध दे सकता है, घर परिवार में अपना चलाने के लिए। और भी ये सब गाय हैं, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं जो गाय खरीद के जाते हैं या बेचते हैं, कुछ लोग देखने भी आते हैं मेला को। तो बहुत सारे लोग का ये यहाँ पे देखिए मन है कि गाय जो है, गाय के साथ साथ यहाँ पे जो है व्यवस्था की कमी है, काफ़ी लोग बातचीत में बताए हैं ना बैठने का व्यवस्था है ना गायों बांधने का, ये सब ऐसे ही पेड़ उड़ में बांध दे रहे हैं। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और देखिए यहाँ पे किसी का कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ भी सब चीज़ ऐसे ही है, सब्जी सुब्जी बिकने लगा अभी गाय के साथ साथ, देख सकते हैं सब्जी का ये ढेर आ गया यहाँ पे, मेले में सब्जी बिकेगा अभी। ये सब्जी है, ये सब्जी यहाँ गाछी है, फूलगोभी के गाछी कैसे देते हैं, गोभी के गाछी कैसे है, 80 रुपये कै पीस, 100 गो। और ये बैगन वाला, बैगन है 60 रुपये, 60 रुपये 100 गो। और टमाटर वाला, 80 के 100। ये सब गाछी है, पौधा लगा करके खेत में उगा सकते हैं। और ये तो बेचारा बेच रहा है खाने वाला है, इधर बीज भी मिलता है, ये धनिया का बीज है जी, और ये क्या है, मक्का, मक्की, और ये बताते जाइए जमाइन है, और उसके बाद नेक्स्ट मेथी है, मंगरेला है, कद्दू का है, सब कुछ है। ये देखिए इधर भी बीज बेचते हैं। तो गाछी जो होता है पौधा लगाने के साथ साथ आप बीज भी उगा सकते हैं आम लोग के लिए। हाँ, तो ये है यहाँ का, एक मिनट जवाब देते हैं, हेलो, ये है यहाँ का सुमरा हाट मेला। देखिए यहाँ भी गाछी बेचते हैं, और क्या रेट रखे हैं इसका, कोई बिक्री नहीं है, कोई पौधा नहीं लगाता अभी, अब टाइम खत्म है। अच्छा, और ये जो है ये क्या है बाबू, ये बिलायती चूहा है क्या, अरे बिलायती चूहा है, कितने में बेचते हो, 80 रुपये जोड़ा है। कोई भाई अगर खरीदना चाहेगा तो तुम मोबाइल नंबर बोलो, मोबाइल नंबर बोलो, कांटेक्ट कर लेगा तुमसे लेने के लिए। मोबाइल नंबर याद नहीं है। एक खरगोश है, कितने में बेचते हो खरगोश, 300 रुपये जोड़ा, मोबाइल नंबर बोलो, किसी को लेना होगा तो कॉल कर लेगा। मोबाइल नंबर याद नहीं है, सोमरा हाट मेला में कोई आके खरीद सकता है। और ये सब आइटम है जो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये खरगोश है या चूहा है, ये मेला का यहाँ पे खूबसूरती है, ये सब चीज़ भी मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।